फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्लैट ब्रश से टू नंबर फ्लावर फ्लैट फ्लावर ब्रश लिया है, साथ साथ में पर्शियन ब्लू कलर है और दो वाइट सब से। कलर पहले है। मैं ब्लू कलर लूंगी। ये मेरे पास फ्लैट ब्रश है। ब्लू कलर से मैं पहले एक ऐसी ड्राइंग सी बनाऊंगी, ऐसे, और इसको मैं ऐसे फिल करूंगी। फ्लैट ब्रश है ये, टू नंबर, बहुत ही इजी फ्लावर है। कलर को थिन रखिएगा। ये बस ऐसे मैंने कर लिया है। अब मैं साथ में इसके व्हाइट कलर लूंगी, इसी ब्रश में ही उठा लूंगी। और ये जो मैंने ऊपर की साइड है ना छोड़ी, इसमें बस फिल करूंगी। फिर मैं ब्लू कलर उठाऊंगी, बस ऐसे, बस ऐसे, यहां से भी ऐसे करूंगी और एक बार और करूंगी। फिर मैं व्हाइट कलर उठाऊंगी इसी ब्रश में, व्हाइट से करूंगी, हल्की हल्की सी मिक्सिंग करेंगे और व्हाइट कलर ही लेंगे ब्रश में, व्हाइट को ही लेंगे। बस इस फूल में हमने कुछ भी नहीं करना, और इसको ड्राई होने के लिए ब्रश में छोड़ मैंने देना लिया है। है। ये मैं थोड़े छोटे साइज का बनाऊंगी, तो नीचे से हम इसको कवर कर लेंगे ब्लू के साथ और ऊपर हम वाइट के साथ करेंगे। ये वाइट लिया ब्रश में, इसी ब्रश में ले लेती हूँ, मैंने वॉश नहीं किया ब्रश को, बस क्योंकि मैंने बर्ड टाइप बनाने हैं तो ऐसे छोटे छोटे बस बना दूंगी, दो चार और बना दूंगी। ये देखिए नीचे, ये राउंड से भी आप कर सकते हैं, वैसे इतना मुश्किल नहीं रहेगा राउंड से भी। बस इसको ऐसे किया और ऊपर हमने वाइट का टच दिया। ये स्ट्रोक पेंटिंग में बहुत इजी वे है बनाने का। लाइट ग्रीन और वाइट कलर लूंगी। ये लाइट ग्रीन में मैंने डिप किया है ब्रश, और जहाँ जहाँ हमने लीफ निकालने हैं, जैसे यहां पर निकालना है लीफ, तो यहां पर फिल कर देंगे, पूरा फिल कर देंगे, और उसके ऊपर हल्का सा वाइट का ऐसे टच दे देंगे। यहां पर बनाना है तो यहां पर पहले आप फिल कर लीजिए। ये देखिए मैं यहां हल्का पर भी सा, निकालूंगी, बाद में डंडियां बनाएंगे तो ये अपने आप जुड़ जाएगा फ्लावर के साथ। वाइट उठाइए, बहुत ही इजी लीफ है ये बनाना। बना ये देखिए मैंने लीव्स बना मैंने लिए। राउंड ब्रश टू नंबर लिया है, टू नंबर राउंड ब्रश है ये, तो इससे मैं बाकी का काम कर रही हूँ। इसके लिए मैंने वाइट कलर लिया है, और ये जो फ्लावर है इसके, ये अभी थोड़ा ड्राई हो चुका है, तो इसके हम ऐसे ऐसे करके, इस ब्रश से ये वाला काम बहुत अच्छा होता है। टू नंबर ब्रश लेंगे ना, ये 000 से भी बेस्ट रिजल्ट देता है। हल्का सा वाइट कलर लेना है, इसी ये ब्रश में ऐसे ले करके। लीजिए, और यहाँ पर ना टिप्स पर, ये जो हमने चीज़ें बनाई है ना, इसकी बस टिप्स पर हल्का हल्का व्हाइट कलर उठा लीजिए, और ये बस ऐसे यहां पर भी
मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कर रही हूँ, इसकी डंडियों का काम करेंगे। बीच में से थोड़ी घुमावदार ब्लू कलर से लाइन बना देंगे हल्की सी, ऐसे करके जो हमने पहले यूज़ किया है उससे ना, ऐसे करके। बस ऐसे चला देंगे ब्रश को। इसी ब्रश को वाइट में डिप करेंगे हल्का हल्का सा। अब थोड़ा सा वाइट लीजिए और ये जो लीफ का हमने जिस तरफ से वाइट शेड करा था ना, वहाँ पर हल्का हल्का, बस पूरा नहीं लगाओ, हल्का हल्का। ये देखिए बहुत ही अच्छे से की तरफ ये ऐसे फ्लावर बनेंगे, लग रहा है ये फ्लावर बना हुआ। और बहुत ही इजी वे से मैंने आपको बनाना बताया है। ओके फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब शेयर कॉमेंट ऑन माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।